मध्य रात्रि था। गर्भवती अनामिका अकेले पैदल चली जा रही थी और इधर उधर चारों तरफ देख रही थी। सड़क में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। एक इंसान नहीं दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करेगी। वो चारों तरफ मुड़ मुड़ के देखती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे ईश्वर, मुझे आपकी सहायता की बहुत जरूरत है। मैं आप पर विश्वास करती हूँ। मैं उपवास रख के आपकी कितनी बार पूजा की हूँ। अब आपका कर्तव्य है मेरा सहायता करना। इस तरह सोचते हुए वो रास्ते से आगे बढ़े जा रही थी। इतनी देर से मैं चली जा रही हूँ। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। मुझे प्यास लगी है। मुझे भूख लगी है। मेरे पेट के अंदर के संतान को दवाइयों की जरूरत है। पर मेरी सासू माँ शारदा, मेरे पति रमेश मेरा भरोसा तोड़ के आज बीच रात में मुझे घर से बाहर निकलने में मजबूर कर दिया। अब मैं कहाँ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी? मैं गर्भवती हूँ, कौन मेरा ख्याल रखेगा? इस तरह सोचते हुए अनामिका थोड़ी दूर जाती है। फिर उसे सड़क पे एक डस्टबिन दिखता है। उसे लगता है उस डस्टबिन में उसे खाने के लिए कुछ मिल जाए, इसीलिए वो डस्टबिन खंगालने लगती है। पर वहाँ पे उसे सिर्फ कचरा ही दिखता है। खाने के लिए उसे कुछ नहीं मिलता। डस्टबिन को खंगालने के बाद वो पूरी तरह निराश हो चुकी थी। शरीर में ताकत नहीं थी। फिर भी किसी तरह खुद को संभालते हुए अनामिका आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर में उसे एक बोरिंग पंप दिखता है। हाय रे, बोरिंग पंप दिखा है। यह अपनी प्यास बुझा सकती हूँ। ये आशा लेकर वो हैंड पंप के पास जाती है। वो पंप चलाती है पर उस पंप से थोड़ा भी पानी नहीं निकलता। 10 मिनट तक लगातार अनामिका उस पंप को चलाते रहती है। फिर उसे समझ में आता है कि ये पंप खराब हो गया है। ये देखकर अनामिका रोने लगती है। अब उसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो आगे बढ़ के जाए। थोड़ी दूर में ही उसे एक बस स्टैंड नजर आता है। हिम्मत जुटाते हुए कैसे भी अनामिका वहां तक पहुंचती है। इससे ज्यादा मैं नहीं चल सकती, चाहे मैं भूख और प्यास से मरी क्यों ना जाऊं। आज रात के लिए मुझे यहीं पे रहना होगा। ऐसा कहके सीमेंट के बेंच पे ही वो लेट जाती है। भूखी प्यासी होने के बावजूद उसका शरीर इतना थका हुआ था कि वो वहीं पे लेट के सो जाती है। अगले दिन अनामिका की आंखें तब खुलती है जब उस पे सूरज की रोशनी पड़ती है। बहुत मुश्किल से उठ के वो बैठती है। तभी उसके पास सब इंस्पेक्टर संध्या आती है। वो अनामिका को पहचान लेती है। अनामिका की ऐसी परिस्थिति देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अनामिका, तुम यहाँ क्यों हो? ऐसे ही संध्या की बातें सुनके अनामिका उसे ध्यान से देखने लगती है। थकावट के कारण पहचान नहीं पा रही थी, पर तुरंत उसे संध्या जी याद आ जाती है। जब संध्या जी ने कुछ ऐसी बातें बताई, तभी दुखी होकर अनामिका कहने लगी, संध्या, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दो। ये सुनकर संध्या को बहुत बुरा लगता है। अनामिका की बातें सुन के ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना वो सीधा पुलिस कार में बैठा के उसे घर ले जाती है। उसे वॉशरूम भेजकर वो कहती है, पहले तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ। ऐसा कह के वो अनामिका को वॉशरूम में भेज देती है और फिर संध्या किचन में चली जाती है। 10 मिनट बाद अनामिका फ्रेश होके डाइनिंग टेबल पे आके बैठती है। गर्मा गर्म उपमा बना के संध्या लेकर आती है। संध्या को देखकर अनामिका कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद संध्या, आज मेरे बुरे वक्त में तुम आके मेरे पास खड़ी हुई हो। हम बाद में बात करेंगे, तुम पहले गर्मा गर्म उपमा खाओ। मैंने डॉक्टर को फोन किया है, वो आके तुम्हें इलाज करके दवा देगी। दवाइयाँ खा के तुम आराम करना। मैं रात को ड्यूटी खत्म करके जब घर लौटूंगी तब मैं तुमसे बैठ के पूरी बात जानूंगी। ठीक है संध्या। ऐसा कह के अनामिका उपमा खाने लगती है। ऐसा ही संध्या फोन करके लेडी डॉक्टर गौरी को बुलाती है। फिर 10 मिनट में डॉक्टर गौरी वहाँ पहुँच जाती है। अनामिका को हॉल में सोफे पे बैठा के जांच करती है। फिर उसे क्या करना है नहीं करना है सब कुछ समझा के वहाँ से वो चली जाती है। संध्या ऑनलाइन दवाइयाँ ऑर्डर कर देती है। 15 मिनट के अंदर दवाइयाँ आ जाती है। अनामिका को वो देती है। फिर पुलिस की गाड़ी में बैठ के वो पुलिस स्टेशन चली जाती है। उधर रमेश अपनी पत्नी को चारों तरफ ढूंढता है और बहुत परेशान हो जाता है। फिर दरवाजे पे खड़ी शारदा के पास वो आता है। अनामिका कहीं नहीं नजर आ रही है, ये बात वो अपनी माँ से कहता है। शारदा कहती है जब वो बाहर भी नहीं है, हो सकता है वो घर छोड़ के भाग गई है। ये सोच सोच के वो बहुत खुश होती है कि चलो उसके जाने से अब गरीबी चला जाएगा। उस दिन रात के वक्त एसआई संध्या अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट आती है। विश्राम करते करते वो अनामिका से बातचीत करती है
और उसके समस्याओं के बारे में जानकारी लेती है। शारदा और रमेश के खिलाफ केस करने को कहती है। उनका अच्छे से काउंसलिंग किया जाएगा, तब जाके शारदा और रमेश अनामिका का देखभाल भी करेंगे। अनामिका इस बात पे तैयार हो जाती है, वो केस करती है। फिर संध्या पुलिस जीप लेकर शारदा के घर जाती है। ऐसे ही संध्या को देखकर तो शारदा घबरा जाती है, वो अपने बेटे को बुलाती है। वो बेडरूम से हॉल में आता है। ऐसे ही संध्या माँ और बेटे दोनों को हथकड़ी पहना के पुलिस जीप से पुलिस स्टेशन ले जाती है। उन्हें लॉकअप में डाल देती है, फिर बड़ी सी छड़ी लेके उन दोनों की बहुत पिटाई करती है। इतनी धुनाई होती है कि शारदा और रमेश बहुत चिल्लाते हैं। उसी दौरान अनामिका को उधर लेबर पेन शुरू हो जाता है। अनामिका एसआई संध्या को फोन करती है। तुरंत संध्या डॉक्टर गौरी को फोन करके पूरी बात बताती है। डॉक्टर गौरी एम्बुलेंस लेके सीधा अनामिका के घर पे जाती है। पुलिस स्टेशन में हाथ में डंडा लेके संध्या, शारदा जी हम अपने आप के ही दुश्मन हैं, कोई और नहीं। कन्या संतान नहीं चाहिए, इस वजह से अब जबरदस्ती अपनी बहू का अबॉर्शन कराना चाहती थी, जिस वजह से वो घर छोड़ के भाग गई। अगर आपकी माँ भी ऐसा ही सोचती आपके बारे में, आपका क्या होता बताइए। ये सुन के शारदा अपना सर झुका लेती है। एक बात कहूँ शारदा जी आपसे, बेटियाँ अपने माँ बाप के साथ साथ सास ससुर और बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती है। ऐसे कई बेटे हैं जो प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप को मारते पीटते हैं। इस मामले में तो बेटी बहुएं अच्छी है ना। इस तरह से एसआई संध्या ने लड़कियों के जन्म मृत्यु के बारे में ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। सुन के शारदा की आंखें भर आई। तुम मेरे से छोटी होने के बावजूद आज तुमने लड़कियों के बारे में कहकर मेरी आंखें खोल दी संध्या। आप मैं कुछ कहकर आपको छोटा नहीं करना चाहती, आज से तुम मेरी बेटी हो। पता नहीं मेरी बहू अभी कहाँ है। जब वो ऐसा पूछ ही रही थी तभी संध्या का फोन बजता है। डॉक्टर गौरी बताती है अनामिका कन्या संतान को जन्म दी है। संध्या ये बात शारदा और रमेश को बताती है। वो खुश होके एक साथ मिलके अस्पताल जाते हैं। सासू माँ शारदा अनामिका को देखती है और अपनी पोती को गोद उठा के उसे चूमती है। ये देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। शारदा अनामिका और अपनी पोती को घर ले आती है। तब से सासू माँ और बहुरानी बहुत गर्वित महसूस करती है उस नन्ही परी की मुस्कान देखकर जो घर में खुशियां ले आई थी। अब चूंकि अनामिका के कोई बच्चे नहीं थे, इसीलिए सासू माँ शारदा अनामिका के साथ बहुत क्रूर व्यवहार करती थी। अब अनामिका बर्दाश्त नहीं कर पाती थी तो इस वजह से वो सुबह शाम सिर्फ रोती रहती थी, साथ ही साथ घर का काम और खाना पकाया भी करती थी। दुखी होके चुपचाप अनामिका को खाना पकाते देख उसकी निर्दयी सासू माँ उसके पास आती है। बहू रो रो के खाना पका रही है, ये देखकर सासू माँ गुस्से से फन उठा के उसे कटकटा के कहती है, जब देखो बस रोती रहती है, रोती हुई औरत, छिछी, इतना रोना ही तो इसका अभिशाप है, इसीलिए शादी के 2 साल हो चुके हैं, तुम्हारे कोई बच्चे नहीं, बांझ औरत। ऐसा कह के वो अनामिका के सर पे एक जोरों का वार करती है। वार की वजह से दर्द होता है और अनामिका रोने लगती है। क्यों सासू माँ, हर बात बात पे आप मुझे बांझ बांझ क्यों कहती है और ऐसा कह के मेरे सर पे मारती है। एक तो ये कड़क बातें, ऊपर से ये चोट, मुझे बहुत तकलीफ होती है माँ जी, क्या आपको थोड़ा भी एहसास है। जिस औरत के बच्चे नहीं होते हैं वो बांझी होती है, समझी पापी औरत, सच कह रही हो तो बहुत गुस्सा आ रहा है ना। आप जो मुझे बार बार कहती है ये सारी गंदी बातें, आपका बेटा आता है तो उससे आप क्यों नहीं कहती, कभी आपने उनसे कहा है कि एक बार डॉक्टर से जाके मिलाओ। नहीं उन्हें नहीं कहेंगी, पर जितनी कटु बातें होंगी बस आप मुझे कहेंगी, आके मेरे सर पे मारेंगी आप, है ना। अनामिका के मुँह से ऐसी बातें सुनने के बाद शारदा को और गुस्सा आने लगता है। बहुत घमंड है ना तुम्हें, आज तक मेरे बेटे ने तुम्हारे मुंह पे कुछ नहीं कहा, सीधा मंगलसूत्र पहना के घर ले आया और तुम होके जुबान लड़ा रही हो, वो भी मेरे साथ। ऐसा कह के शारदा ने अनामिका को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि रमेश जो बगान के पौधों में पानी डाल रहा था वो एक पेड़ में देखता है कि फूल नहीं है और अपनी माँ शारदा को वो आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुनते ही वो अनामिका के ऊपर हाथ नहीं उठाती है पर वो अनामिका को धकेल देती है जोरों से। बस किचन में रखे हुए बर्तनों में जाके अनामिका ठोकर मारती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। परवाह ना करते हुए शारदा अपने बेटे के पास चली जाती है। क्या हुआ बेटा, क्यों बुला रहे थे।
देखो माँ, इस पौधे में फूल नहीं है, क्या मैं इस पौधे को उखाड़ के इस जगह पे दूसरा पौधा लगा सकता हूँ? अरे बेटा, तुम्हें फूल की पड़ी हुई है, तुम अपने बांझ पत्नी के बारे में सोचो। बच्चों के मामले में गलती तो मेरे तरफ से भी है माँ। ओहो, बगान से ही मैं तुम्हारी पत्नी से क्या कह रही थी सुन रहे थे? अरे नहीं माँ। देखो रमेश, ऐसी बहुत औरतें हैं जो बांझ होती है। जैसे तुमने कहा पेड़ में फूल नहीं है, तो उस पौधे को हटा के वहाँ एक नया पौधा लगाने की बात की ना, उसी तरह अनामिका को छोड़ के जो बच्चे देगी उस औरत को ले आओ। ठीक है माँ, तुम्हें पता है कि जिंदगी मेरी कैसे चल रही है, तुमने जो कहा वैसा ही करूँगा। देर मत करो बेटा, जाओ बीवी को बुलाओ। अभी बुलाता हूँ माँ। ऐसा कह के वो अनामिका को जोर से आवाज लगाता है। अनामिका, अनामिका, जल्दी से बगान के तरफ आना। वो इस तरह से अनामिका को आवाज लगाता है। सर पे चोट लगने के बावजूद आवाज मिलते ही वो बगान में भाग के आती है। उसके सर से तभी भी खून निकल रहे थे। लो माँ, तुम्हारी बहू आ गई है, अब जो कहना है कहो। ऐसी बांझ औरत की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए अच्छी स्वभाव की लड़की देखकर धूमधाम से शादी कराऊंगी। शारदा की ऐसी बातें सुन के मानो अनामिका दंग रह जाती है। खुद को संभालते हुए वो अपने पति को सवालों के नजरों से देखती है, पर रमेश इस बात का परवाह नहीं करता। अपनी माँ की बातों पे गौर करते हुए कहता है, देखो अनामिका, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, अभी भी अच्छे से कह रहा हूँ। आज ही अपना कपड़ा लाता अच्छे से बांध लो और सीधा अपने मायके चली जाओ, नहीं तो फिर जान लो लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगी, फिर मुझे तुम्हें जबरदस्ती भेजना पड़ेगा, समझी? मेरे सर से खून बह रहा है, देख के लगा था पूछेंगे कि अरे अनामिका तुम्हें क्या हो गया है, पर आपको ये तो दिखी नहीं। ठीक है, मेरी जान चली भी जाए पर मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, जोर देकर वो कहती है। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा का दिमाग और गर्म हो जाता है। शारदा अपना पैर उठाती है और जोर से अनामिका को एक लात लगाती है। अनामिका जाके गिरती है। इससे भी शारदा का गुस्सा नहीं कम होता, वो जाके सीधा अनामिका का बाल खींच लेती है। अनामिका रोते रोते उल्टियां करने लगती है। उन उल्टियों से अनामिका को समझ में आ जाता है कि वो माँ बनने वाली है। इससे वो खुश होती है। फिर प्यार और स्नेह से वो अपने पेट को छूती है और रमेश के तरफ देखती है। अजी, आप बाप बनने वाले हैं। ये सुनकर रमेश भी बहुत खुश होता है। माँ, माँ तुमने सुना, मैं पिता बनने वाला हूँ और आप दादी बनने वाली है। बाबू, अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं, पहले पता लगाओ पेट में क्या है, पेट के अंदर लड़का है या लड़की। शारदा की ऐसी बातें सुन के उसे समझ में नहीं आता है कि उसे क्या कहना चाहिए, वो बिल्कुल हैरान रह जाती है। माँ, तुम क्या कह रही हो? देखो बेटा, अगर पेट के अंदर बेटा है तो मैं खुश होंगी, मैं धूमधाम से तुम्हारी पत्नी का श्रीमंथम कराऊंगी, पर अगर वो एक कोई लड़की हुई तो उसके जाके अबॉर्शन करा देना, यहाँ से ले जाओ उसे। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, हम भी तो महिलाएं हैं, अगर लड़की पैदा होगी तो माँ लक्ष्मी पैदा होगी माँ जी। देखो बहू, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करना चाहती। शारदा की ऐसी बात पर जब अनामिका कुछ कहने वाली थी, बीच से रमेश घुस के कहने लगता है, देखो अनामिका, माँ को पुत्र संतान चाहिए, अगर तुम दे सकती हो तो पुत्र संतान दो, समझी ना। ये सुनकर अनामिका आश्चर्य रह जाती है। बिना परवाह किए रमेश वहाँ से अंदर चला जाता है। दुखी दुखी दिन गुजर रहे थे अनामिका के। एक दिन रमेश अनामिका को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर जांच करके रिपोर्ट भेजती है। इस बात की पुष्टि हो जाती है कि अनामिका के पेट में कन्या संतान है। अब शारदा और रमेश जबरदस्ती अनामिका का बच्चा गिरवाना चाहते हैं। मैं किसी भी हालत में अबॉर्शन नहीं करने दूंगी। फिर तुम इस घर में बहू होके नहीं रह सकती हो, मायके जा सकती हो। आप और आपका बेटा गैर कानूनी काम करना चाहते हैं, ये कहकर मैं पुलिस में कंप्लेन दूंगी। ये बात सुनते ही शारदा और रमेश बहुत परेशान हो जाते हैं। अनामिका अगर कैसे भी पुलिस में जाके कंप्लेन कर देती है तो रमेश और शारदा को जेल जाना पड़ सकता है, इस बात को लेकर सोच में पड़ जाते हैं। एक दिन रात में रमेश दूध में नींद की दवाई मिला के अनामिका को पिला देता है, पर अनामिका को रमेश और शारदा के परिकल्पनाओं के बारे में पता चल जाता है तो वो घर से भाग जाती है।